नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। भारत एट नाइन में आज बात करेंगे सीएनआरसी की, वो इसलिए क्योंकि एक बार फिर से इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद अब देश में नागरिकता संशोधन कानून रद्द किए जाने की आवाज मुखर हो गई है। कई मुस्लिम संगठनों और नेताओं ने कृषि कानूनों के बाद सीए और एनआरसी वापसी की मांग की है। यही नहीं, ये संगठन सीए के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की तैयारियों में भी जुट गए हैं, लेकिन ऐसा शायद ही होने दिया जाए। एक दिन पहले ही कानपुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अधिवेशन में सीए वापस लेने के बारे में प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी बीजेपी को चेतावनी भरे लहजे में कह दिया है कि सीए वापस नहीं हुआ तो फिर शाहीन बाग बना देंगे। ये बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल ओवैसी कहते हैं कि अगर सीएए वापस नहीं लिया गया तो फिर यूपी में भी एक शाहीन बाग खड़ा कर देंगे। वहीं जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कृषि कानूनों की वापसी पर किसानों को बधाइयां दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से किसानों के लिए तीन कृषि कानून घातक थे, उसी तरह सीए और एनआरसी कानून मुस्लिमों के हित में उसके खिलाफ है। इस दोनों कानूनों के दुष्परिणाम मुस्लिम समाज को भुगतना पड़ेगा, इसलिए हम मांग करते हैं कि सीए कानून को भी वापस लिया जाए। हम मुसलमान भी भारत के नागरिक हैं, इसलिए सरकार को हमारे बारे में भी वैसे ही सोचना चाहिए जैसे उसने किसानों के बारे में सोचा है। यानी कि कृषि कानून की वापसी के बाद अब मुस्लिम संगठन ये कह रहे हैं कि सीएनआरसी वापस लिया जाए। दरअसल कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की है, तो तब से ही चर्चा गर्म है कि सरकार किसानों के आगे झुक गई है। तो ऐसे में कुछ संगठन ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि आने वाले समय में बाकी जो बिल हैं वो भी वापस हो सकते हैं। ऐसे में सियासत भी कर्म है, साथ ही साथ एक सियासी एजेंडा भी सेट किया जा रहा है। तो कानपुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को दो दिन का अधिवेशन रविवार को समाप्त हुआ। इसमें 11 प्रस्ताव पारित हुए हैं, जिसमें सीए वापसी का भी प्रस्ताव था। बोर्ड की प्रवक्ता कासिम रसूल इलियासी के अनुसार कहा गया है कि हमारी ये मांग है कि सीए कानून को भी वापस लिया जाना चाहिए। तो बाराबंकी में रविवार को जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी कहते हैं कि बीजेपी सरकार ने जैसे तीनों कृषि बिल कानून वापस लिए हैं, उसी तरह नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी कानून को भी वापस लेना चाहिए। ये कानून बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए कानून के खिलाफ है। ओवैसी ने कहा कि अगर बीजेपी सरकार ने कानून वापस नहीं लिए तो फिर हम सड़कों पर निकलेंगे और यहीं पर फिर शाहीन बाग बना देंगे। अब ओवैसी का इतना भर कहना था और बीजेपी क्या चुप बैठती। बीजेपी की तरफ से तमाम बयान सामने आ रहे हैं। कुछ खबरों की माने तो साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश भी की और दोबारा से वही हिंसा वही प्रदर्शन देखने के लिए मिला तो आगे कड़ा एक्शन लिया जाएगा। आप बता दें कि 2019 में उत्तर प्रदेश में सीएनआरसी के खिलाफ कई जगहों पर प्रदर्शन हुए थे जो कि हिंसक हुए थे, आगजनी हुई थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। सरकारी संपत्तियों और प्राइवेट संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था, जिसको लेकर योगी सरकार ने बड़े कदम उठाए थे। कहां एक फंडामेंटल राइट है, उस कानून उस फंडामेंटल राइट के खिलाफ कानून बनाया गया और हम मुतालबा करते हैं कि सीएए कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे, अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखो आप, हम खुद आएंगे यहां पर। हम मुतालबा करते हैं कि सीएए का कानून वापस लिया जाए और ये जो किसान है वो सही पहचान लिए बीजेपी को और बीजेपी और मोदी और अमित शाह को। वो उनकी बात का यकीन नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब पार्लियामेंट शुरू होगा, जब पार्लियामेंट में बिल आएगा तो हम फैसला करेंगे। क्योंकि जब सीएए का कानून पार्लियामेंट में आया उससे दो दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कहां एनपीआर एनआरसी की बात इसमें है। हमको याद थी, हमने पार्लियामेंट में तकरीर की और जब अमित शाह हमारे सलाम तकरीर का जवाब देने के लिए पार्लियामेंट का खड़े हुए तो हमने कहा अमित शाह ये तो बता दो एनपीआर एनआरसी होगा नहीं होगा। तो अमित शाह ने खड़े होकर कहा ओवैसी जी एनपीआर एनआरसी तो होगा,
हमने कहा तुमने सच कहा और मोदी ने झूठ कहा। बाहर देखना जाकर वीडियो है अमित शाह का, हमारी तरफ घूर घूर के देख रहे थे, ऐसा देख रहे थे कि हमको कच्चा खा जाएंगे। हम कहे कि घूरने से कुछ नहीं होता, हमको बहुत लोग घूरते, हमको बहुत से लोग घूरते, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर किसानों ने जान लिया नरेंद्र मोदी को। उन्हें कहा कि इनकी बात का यकीन नहीं किया जा सकता। याद रखिए एनपीआर एनआरसी के रूल बनेंगे, और अगर ये होगा तो आसाम में जिस तरह आसाम में लोगों को उनकी शहरियत से महरूम कर दिया गया, वही प्रोग्राम है। इसके खिलाफ आपको आवाज उठाना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चंद बातें थी जो मैंने इखलास के साथ आपके सामने रखा। मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि मुत्तहिद हो जाइए और अपने वोट का इस्तेमाल, मजलिस का इंतखाबी निशान पतंग है, पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपनी पार्टी को और अपने। तो वही अमरोहा से बीएसपी सांसद कुमार दानिश अली ने कहा है कि केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेकर एक अच्छा कदम उठाया है, इससे देश के करोड़ों किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नागरिकता कानून को भी वापस ले लेना चाहिए। देश के करोड़ों लोग नागरिकता कानून को वापस लेने के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, यानी लोग अब ये समझ रहे हैं कि जैसे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के आगे झुक गई है या क्षमा याचना मांग रही है, ऐसे ही अब सीएनआरसी को लेकर भी होगा। दरअसल सीएनआरसी पर उठ रही मांगों पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं कि सीए पर सांप्रदायिक राजनीति फिर से शुरू हो गई है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि कुछ लोग सीए को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीए किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं सिखों उत्पीड़न के शिकार अन्य अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने के लिए है। पहले भी सरकार ने समझाया था और आज भी सरकार ये समझा रही है, लेकिन लोग कितना समझ रहे हैं ये तो दिख ही रहा है। तो असम में 2019 को सबसे पहले सीए के खिलाफ हिंसा भड़की थी और 5 लोगों की जान की खबरें आई थी। खबर है कि कृषि कानूनों की वापसी के बाद वहां सीए के विरुद्ध कई समूह फिर से जाग उठे हैं और 12 दिसंबर को प्रदर्शन की योजना भी बना रहे हैं। देखिए ओवैसी साहब, निश्चित रूप से दंगा मुक्त हो चुके उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता की आग घोलकर मुसलमानों में भय फैलाकर मुसलमानों के वोट लेने की एक षड्यंत्र कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल प्रशासन के रहते, योगी जी के दौर में ओवैसी साहब के मंसूबे किसी भी तरह से साकार हो पाएंगे। ओवैसी जी को मेरी निवेदन है, उनसे गुजारिश है कि समाज को तोड़ने वाले ऐसे बयानों को देने से वो बाज आए। तो ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर नागरिकता संशोधन कानून है क्या। गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन कानून के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने का प्रावधान है, जो 31 दिसंबर 2014 तक इन देशों को छोड़ चुके हैं। सीए को 12 दिसंबर 2019 को अधिसूचित किया गया था और ये पिछले साल 10 जनवरी को प्रभाव में आया। संसद में सीए को पारित किए जाने के बाद देश के अनेक हिस्सों में व्यापक विरोध प्रदर्शन भी देखे गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद अब देश में फिर सीएनआरसी को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। इसमें अब शायर मुनव्वर राणा भी कूद गए हैं। उन्होंने कहा कि जो हाल कृषि कानूनों का हुआ, वही हाल सीएनआरसी का भी होगा। उन्होंने कहा कि ये कोई कानून नहीं है, बल्कि मुसलमानों से दुश्मनी निकालने के लगाए गए हैं। कृषि कानूनों की वापसी के सवाल पर मुनव्वर राणा ने कहा कि मैं इस फैसले से बहुत खुश हूं और मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुनव्वर राणा ने कहा कि पीएम कहते हैं कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई होगी, जबकि कहा यह जा सकता है कि हमसे कोई गुनाह हो गया था जिसे 700 किसान खत्म हो गए। आगे मुनव्वर राणा ने कहा कि दूसरे देश की बात होती तो वहां पर उनको फांसी दे दी जाती। मुनव्वर राणा पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार विवादों में घिर चुके हैं। अब आगे वो कहते हैं कि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पब्लिक केयर फंड से पैसा निकालकर किसानों को 1-1 करोड़ दिया जाए। मुनव्वर राणा ये कहते हैं कि ये काम तो जिन्ना का था, उसने देश के 2 टुकड़े करवा दिए थे और आपका काम जोड़ना है, ना कि तोड़ना। मुसलमानों से दुश्मनी के लिए बनाया गया सीएनआरसी। मुनव्वर राणा ये कहते हैं कि नागरिकता संशोधन कानून, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के बारे में कि ये कोई कानून नहीं है, बल्कि मुसलमानों से दुश्मनी निकालने के प्रयास है। वो कहते हैं कि अमित शाह जो सीएनआरसी कानून लेकर आए,
उससे हमारे बहुत सारे लोग मारे गए हैं और बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारे यहाँ एक भी दंगा नहीं हुआ। हम भी यही कहते हैं, अब यहाँ दंगा नहीं होता बल्कि सीधे कत्ले आम होता है। तो आपको बता दें कि 2019 में दिल्ली और देश के कई इलाकों में सीएनआरसी को लेकर काफी बवाल हुआ था। आगजनी से लेकर हिंसा तक हुई थी, कई लोगों की जान चली गई थी। वहीं 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में अब एक बार फिर से इसको लेकर चर्चा जोरों पर है। मुस्लिम संगठन इस मुद्दे को 2022 के चुनाव में भी बुनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया है कि दंगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, दंगाइयों को हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। इस सरासर उपद्रवी अराजक तत्वों के द्वारा विपक्षी दलों, कांग्रेस समेत अन्य सभी विपक्षी दलों के संरक्षण में किया गया एक की गई एक शरारत है, और उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में और संभल में जिस प्रकार से वाहनों में आग लगा करके आगजनी करने का प्रयास हुआ है, व्यापक रूप से वहां पर तोड़फोड़ करने का प्रयास हुआ, इस प्रकार की उपद्रवी गतिविधियों को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैंने पहले दिन भी इस बात को कहा था और सभी से विनम्र अपील की थी कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं, संवाद से सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। हम लोग सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर दुष्प्रचार बंद करें, लोगों को वास्तविक जानकारी होनी चाहिए, लेकिन राजनीति की रोटी सेकने वाली कांग्रेस, सपा और वामपंथी संगठनों ने जिस प्रकार से आज महाबंदी के नाम पर पूरे देश को आगजनी की चपेट में झोंकने का प्रयास किया है, यह अस्वीकार्य है। और उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के तत्वों के साथ हम सख्ती से निपटेंगे। मैंने इसके बारे में अभी एक बड़ी बैठक बुलाई है और मैं इस चीज़ को स्वयं समीक्षा कर रहा हूँ, मैं स्वयं देख रहा हूँ, और जो भी जिम्मेदार होगा उसकी जवाबदेही भी तय करेंगे। इस हिंसा में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उस जब्त से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है, इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे, क्योंकि वे सब चिन्हित चेहरे हैं, वे सब वीडियोग्राफी में आ चुके हैं, CCTV के फुटेज में आ चुके हैं। इन सब की प्रॉपर्टी को जब्त करके इनसे हम इसका बदला लेंगे और सख्ती से निपटने के लिए इसके बारे में मैंने कहा है। पूरे प्रदेश के अंदर धारा 144 लागू है, 8 नवंबर से निरंतर चल रही है। बिना परमिशन के कोई भी प्रदर्शन नहीं हो सकते, और प्रदर्शन के नाम पर आप हिंसा करें ये स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकार की असामाजिक और अराजक गतिविधियों को कतई किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने स्वयं भी सभी स्तर के पुलिस अधिकारियों के साथ स्वयं बातचीत की और सबको आवश्यक निर्देश दिए हैं कि वे उपद्रवी तत्वों को, आम जनता को कोई परेशानी न हो, आम जन के आवागमन में किसी प्रकार की कोई बाधा न हो, लेकिन उपद्रवी तत्व जहां पर भी हो सख्ती के साथ उससे निपटने की कार्रवाई भी प्रारंभ। देखिए, अनावश्यक भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहा है विपक्ष, जिसके पास आज कोई मुद्दा नहीं बचा है, जो अपने कृत्यों से जनता के द्वारा दरकिनार कर दिया गया है। वह आज जिस प्रकार से नागरिकता कानून के नाम पर भ्रम की स्थिति पैदा करते हुए लोगों को गुमराह कर रहा है, ये जानते हुए कि नागरिकता कानून किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब के खिलाफ नहीं, भारत के हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी देता है, भारत के अंदर आए हुए शरणार्थियों को यहाँ पर शरण दे करके भारत की सनातन परंपरा को आगे बढ़ाता है, उस कानून के नाम पर गुमराह करके लोगों को हिंसा के लिए प्रेरित करना ये देशद्रोही कृत्य है, और इस प्रकार के कृत्य को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार की अराजकतापूर्ण गतिविधियों को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, आम जन को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसके अलावा समीक्षा करें किस स्तर पर, कहां पर, कौन लोगों के कारण इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया गया है, खासतौर पर लखनऊ में और संभल में। संभल में भी दो सड़क परिवहन निगम की बसें जो सड़क के किनारे खड़ी थी, ज्ञापन देने के बाद जाने वाले उपद्रवी तत्वों ने उन पर आग लगाई है।
लखनऊ में लगभग एक दर्जन वाहन, जिसमें 8 के आस पार्टनों टू व्हीलर हैं और उसके बाद तीन चार जो हैं वो भी बैन हैं और एक रोडवेज की बस है, इसको भी आग लगाने का कृत्य किया गया है। अन्य अगर प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी जहां भी डैमेज हुई है, हम इन्हीं उपद्रवियों से इसकी वसूली करेंगे, इनकी संपत्तियों को नीलाम करके इसकी वसूली भी करेंगे। अब इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि नागरिकता कानून के खिलाफ देश के कई राज्यों में क्या क्या हुआ, किस तरह से विरोध प्रदर्शन रहे। तो इसकी शुरुआत पूर्वोत्तर भारत के असम से हुई, इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में भी जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। जामिया विश्वविद्यालय में पुलिस कार्रवाई के खिलाफ सड़क पर सियासत के साथ छात्रों का संघर्ष भी जारी रहा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इंडिया गेट पर धरने पर बैठी रही, जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी विशाल पैदल मार्च निकाला था। ये तस्वीरें 2019 की हैं, उसके बाद 2020 तक ऐसी तस्वीरें हमें देखने के लिए मिली। वहीं 10 से अधिक बड़े संस्थानों में प्रदर्शन हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ देश भर में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों को दुर्भाग्यपूर्ण कहा और बेहद निराशाजनक करार दिया था। उन्होंने कहा था कि नागरिकता कानून से किसी भी भारतीय को नुकसान नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने लोगों से अफवाह फैलाने वालों से दूर रहने और निहित स्वार्थी तत्वों को समाज को बांटने नहीं देने की अपील की। तो लखनऊ के दारुल उलूम नदवतुल उलेमा कॉलेज में छात्र पुलिस में झड़प हुई, ईंट पत्थर फेंके गए, मऊ में दर्जन भर बाइकें फूंकी, थाने में तोड़फोड़ की, धारा 144 लागू कर इंटरनेट ठप कर दिया गया। प्रदर्शन को देखते हुए यूपी सरकार ने सभी डीएमएसपी की छुट्टियां रद्द कर दी थी। नहीं, ऐसा है कि ओवैसी को जैसे आप सब जानते हैं कि वो लोग तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम लाने से क्या काम, वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए काम नहीं कर रहे, वो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए उनको लाने और बनाने और बुलाने का कोई सूरत ही नहीं हो सकती कि वो हमारे साथ आएंगे। CAA NRC पर एक हैदराबादी मौलाना है, AIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो कह रहे हैं कि देश के अंदर अगर ये कानून लागू हुए तो हम उत्तर प्रदेश में शाहीन बाग बना देंगे। हैदराबादी मौलाना साहब, ना ये आपका हैदराबाद है और ना ये देश के सबसे बड़े राजनीतिक गिद्ध गिरगिट कंजरवाल की दिल्ली, ये यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश है, यहाँ कानून का राज स्थापित है। आप जैसी देशद्रोही सोच रखने वाले लोगों से यहाँ किस प्रकार सख्ती से निपटा जाता है, आप जैसे लोग भली भांति जानते हैं और आप जैसे देशद्रोही ताकतें भली भांति जानती हैं। AIM के चीफ ओवैसी जी लगातार ध्रुवीकरण की बयानबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है, मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर लगातार ओवैसी जी काम कर रहे हैं, ओवैसी का विजन क्या है उत्तर प्रदेश के लिए, ये उनको बताने की आवश्यकता होगी। लेकिन जिस तरह से लगातार ध्रुवीकरण की सियासत को बढ़ावा दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि कब तक एजेंडे के थ्रू आप राजनीति करेंगे। और जहाँ तक टिकैत साहब की बात है, टिकैत साहब ने स्पष्ट तौर पर मोदी सरकार को चेतावनी दी है कि जब तक कृषि कानून संसद में रद्द नहीं होंगे तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार को विशेष सत्र बुला करके सबसे पहले कृषि कानूनों को रद्द करने की बात करनी चाहिए। और जो हमारे किसान साथियों की मांग है कि उनको MSP का जो विज़न है, MSP जो तय मानक रूप में है, उसको देने की बात करनी चाहिए। देखिए, ओवैसी जी का जो बयान है वो भी चुनाव से ठीक पहले, कि यदि CAA वापस नहीं लिया जाता है तो उत्तर प्रदेश को शाहीन बाग बना देंगे, ये बहुत ही सोची समझी उनकी और भारतीय जनता पार्टी की साझा रणनीति है। ये सारे बयान सिर्फ और सिर्फ वोटों के ध्रुवीकरण के लिए और राजनीति में धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है ठीक उसी तरह की राजनीति ओवैसी साहब भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां हिंदुओं का ध्रुवीकरण करने में लगी हुई है, वहीं ओवैसी जी मुस्लिम कम्युनिटी का ध्रुवीकरण करने में लगे हुए हैं। दोनों का एजेंडा अंग्रेजों की तरह बिल्कुल साफ है कि फूट डालो और राज करो, आपस में हिंदू मुस्लिमों को भड़काऊ बयानबाजी
के माध्यम से उनमें दूरियां पैदा करो और वोटों की राजनीति करो, वोटों का ध्रुवीकरण करो। अब ये समझना होगा कि नागरिकता संशोधन कानून में क्या खास है, कैप क्या है और सीए क्या है। कैप यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, संसद में पास होने और राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद नागरिक संशोधन कानून यानी कि सीएए बना, यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण वहां से भागकर आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को सीए के तहत भारत की नागरिकता दी जाएगी। दूसरा ये था कि ऐसे अवैध प्रवासियों को जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 की निर्णायक तारीख तक भारत में प्रवेश कर लिया, वे भारतीय नागरिकता के लिए सरकार के पास आवेदन कर सकेंगे। अब तक भारतीय नागरिकता लेने के लिए 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था। नए कानून यानी कि सीएए में प्रावधान है कि पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक अगर 5 साल भी भारत में रह रहे हों तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। सीएए में ये भी व्यवस्था की गई है कि उनके विस्थापन और देश में अवैध निवास को लेकर अन्य पर पहले से चल रही कोई भी कानूनी कार्रवाई स्थायी नागरिकता के लिए उनकी पात्रता को प्रभावित नहीं करेगी। ओसीआई कार्ड धारक यदि शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो उनका कार्ड रद्द करने का अधिकार केंद्र को मिलेगा, पर उन्हें सुना भी जाएगा। नागरिकता संशोधन कानून के चलते जो विरोध की आवाज उठी उसकी वजह ये भी है कि इस बिल के प्रावधान के मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले मुसलमानों को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। कांग्रेस समेत कई पार्टियां इस आधार पर बिल का विरोध भी करती हुई नजर आई थी। पूर्वोत्तर में आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है समझना जरूरी है। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में इस कानून विधेयक का विरोध लगातार किया गया और अब भी योजना बनाई जा रही है और उनकी चिंता है कि पिछले कुछ दशकों में बांग्लादेश से बड़ी तादाद में आए हिंदुओं को नागरिकता प्रदान की जा सकती है। इन राज्यों में इसका विरोध इस बात को लेकर है कि यहाँ कथित तौर पर पड़ोसी राज्य बांग्लादेश से मुसलमान और हिंदू दोनों ही बड़ी संख्या में अवैध तरीके से बसे हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 20 नवंबर को सदन को यह बताया था कि उनकी सरकार 2 अलग अलग नागरिकता संशोधन पर पहलू रखने जा रहे हैं और इसको लेकर उन्होंने सबसे पहले बात की सीए की और दूसरी बात की उन्होंने देश में नागरिकों की गिनती को लेकर, जिसे राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर या फिर एनआरसी के नाम से जाना जाता है। सीए के बारे में ऊपर बताया जा चुका है और अब एनआरसी के बारे में भी जानना जरूरी है। दरअसल नागरिकता संशोधन कानून बनने के बाद अब मोदी सरकार की नजर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि एनआरसी पर है, लेकिन अभी ये लागू नहीं हुआ है, जिसको लेकर काफी बवाल पहले भी हुआ है, लेकिन आने वाले समय में भी इसको लेकर बवाल बना हुआ है, जिसको सरकार कोशिश कर रही है कि इस मुद्दे को रोका जाए और यहीं के यहीं ठंडा किया जाए, क्योंकि खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि आने वाले समय में असम एक बार फिर से सीए और एनआरसी को लेकर फिर से बवाल हो सकता है, प्रदर्शन हो सकते हैं और हिंसा ना हो, इसको लेकर सरकारें पहले से ही अलर्ट नजर आ रही हैं। लेकिन 2022 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में सरकार कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और जितने भी लोगों के मुद्दे हैं उन्हें हल किया जाए, वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो। लेकिन सवाल ये है कि जब कृषि कानून की वापसी सरकार ने कर ली है तो लोग ये क्यों सोच रहे हैं, यहाँ लोग नेताओं की बात हो रही है, वो नेता जो पहले भी इसको लेकर बयानबाजी कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं। तो क्या अगर सरकार कृषि कानून के आगे झुक गई है तो सीएनआरसी के आगे भी झुक जाएगी? ये सवाल बेहद अहम है और हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत बदलाव भी हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।